हे राम हे राम, हमारे राम। राम शब्द में दो अर्थ व्यंजित है, सुखद होना और ठहर जाना। जैसे अपने मार्ग में भटका हुआ कोई क्लांत पथिक किसी सुरम्य स्थान को देखकर ठहर जाता है। हमने सुखद ठहराव का अर्थ देने वाले जितने भी शब्द गढ़े, सभी में राम अंतर्निहित है। यथा आराम, विराम, विश्राम, अभिराम, उपराम, ग्राम जो रमने के लिए विवश कर दे वह राम। जीवन की आपाधापी में पड़ा अशांत मन जिस आनंददायक गंतव्य की सतत तलाश में है, वह गंतव्य है श्री राम। भारतीय मन हर स्थिति में राम को साक्षी बनाने का आदि है। दुख में है राम, पीड़ा में अरे राम, लज्जा में हाय राम, अशुभ में अरे राम राम, अभिवादन में राम राम, शपथ में राम दुहाई, अज्ञानता में राम जाने, अनिश्चितता में राम भरोसे, अचूकता के लिए राम बाण, मृत्यु के लिए राम नाम सत्य है, सुशासन के लिए राम राज्य। जैसे अभिव्यक्तियाँ पग पग पर राम को साथ खड़ा करती है, राम भी इतने सरल हैं, इतने भोले, इतने दयालु हैं कि हर जगह खड़े हो जाते हैं। हर भारतीय उन पर अपना अधिकार मानता है। जिसका कोई नहीं उसके लिए राम है, और क्यों ना हो, इतने सरल और भोले जो हैं। निर्बल के बल राम असंख्य बार देखी सुनी पड़ी जा चुकी राम कथा। राम कथा का आकर्षण कभी नहीं खोता। राम पुण्य नरवा है, हमारे भीतर जो कुछ भी अच्छा है वह राम है, जो शाश्वत है वह राम ही है। सब कुछ लूट जाने के बाद जो बचा रह जाता है वही तो राम है। घोर निराशा के बीच जो उठ खड़ा होता है वह भी राम ही है। हे राम हे राम, जीवन का साथ देने वाला, जीवन को मुक्ति देने वाला तू ही तो है। सबका राम, हे राम हे राम।